द्रौपदी के 5 पति थे और वो 5ों में से किसी की बात नहीं सुनती थी। वो सिर्फ अपने दोस्त की बात सुनती थी और वे थे श्री कृष्णा। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में, जिसका नाम है डार्क मिस्ट्री। और आज इसी कड़ी में एक सवाल हम लेके आए हैं, क्या महाभारत की द्रौपदी फेमिनिस्ट थी? आइए जानते हैं। ये कहना है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव राम माधव का। उन्होंने द्रौपदी को दुनिया की पहली फेमिनिस्ट बताया है और कहा है कि महाभारत का युद्ध सिर्फ उनकी जिद की वजह से हुआ, जिसमें 18 लाख लोग मारे गए। राम माधव के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर लोगों की तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिली। कईयों ने उनकी बात पर असहमति और आपत्ति जताई। क्या द्रौपदी वाकई फेमिनिस्ट थी? क्या फेमिनिस्ट महिला की यही पहचान है कि वो अपने पति की एक नहीं सुनती? जानी मानी लेखिका और उपन्यासकार अनीता नायर कहती है, द्रौपदी उन तमाम औरतों का प्रतिनिधित्व करती है जो ना इंसाफी और असमानता का शिकार है। माना जाता है कि महिला का पति उसे मुश्किलों से बचाएगा, उसकी रक्षा करेगा, लेकिन द्रौपदी के मामले में क्या हुआ? जब भरी सभा में उन्हें अपमानित किया जा रहा था, तब उनके 5ों पति वहीं सिर झुकाकर बैठे थे। व्हाट द्रौपदी डिड टू फीड 10,000 सेजेस नाम की किताब लिखने वाली अनीता नायर मानती है कि द्रौपदी परिस्थितियों से लाचार महिला थी, जिन्हें अपनी आवाज उठाने का मौका ही नहीं दिया गया। वो पूछती है, इन सब बातों को ध्यान में रखकर सोचे तो द्रौपदी भला फेमिनिस्ट कैसे हुई? क्या द्रौपदी ने अपनी मर्जी से 5 पति चुने थे? द्रौपदी के 5 पतियों के बारे में 2 कहानियां सुनने पढ़ने को मिलती है। पहला तो ये कि स्वयंवर के बाद अर्जुन जब अपने बाकी भाइयों के साथ कुंती के पास पहुंचे तो उन्होंने कहा कि तुम लोगों को जो कुछ मिला है उसे आपस में बांट लो, माँ कुंती के आदेश की अवहेलना ना हो, इसलिए द्रौपदी को 5ों पांडवों की पत्नी बनना पड़ा। दूसरी कहानी ये है कि द्रौपदी ने अपने पिछले जन्म में भगवान शिव से ऐसे पति की कामना की थी जिसमें तमाम खूबियां हों। किसी एक शख्स को इतनी खूबियां देना मुश्किल था, इसलिए उन्हें एक के बजाय 5 पति मिले। ऐसा भी नहीं था कि द्रौपदी 5ों पतियों के साथ रहती थी, उन्हें बारी बारी से हर पति के साथ एक एक साल रहना होता था। इस तय वक्त में एक के अलावा कोई अन्य पांडव उनके करीब नहीं जा सकता था। इतना ही नहीं, पौराणिक किताबों के मुताबिक द्रौपदी को एक वरदान मिला था जिससे पति के साथ एक साल का वक्त बिताने के बाद उन्हें उनका कौमार्य यानी कि वर्जिनिटी वापस मिल जाता था। अगर वाकई नियम सबके लिए बराबर है तो वर्जिनिटी का रिन्यूअल द्रौपदी के लिए ही जरूरी क्यों था? पांडवों के लिए क्यों नहीं था? अनीता नायर कहती है, राम माधव ने द्रौपदी के फेमिनिस्ट होने के पीछे वजह बताई है, वो हंसने लायक है। पहली बात तो ये कि एक से ज्यादा पार्टनर होने किसी महिला की व्यक्तिगत पसंद और नापसंद का मामला है, ऐसा करना किसी को फेमिनिस्ट नहीं बनाता। उन्होंने हंसते हुए कहा कि राम माधव की बातों से तो लगता है जैसे फेमिनिस्ट औरतें अराजक और अनुशासनहीन होती हैं, जो हर जगह मुसीबतें खड़ा करती हैं। फेमिनिज्म औरतों और मर्दों को बराबरी का हक दिलाने की बात करता है, ये बात सबको समझनी जरूरी है। इसके साथ ही हमें इतिहास और पौराणिक कहानियों में अंतर करना भी सीखना होगा। मिस द्रौपदी कुरु किताब की लेखिका त्रिशा दास महाभारत के युद्ध के लिए द्रौपदी को जिम्मेदार ठहराने की बात को सिरे से नकारती है। उन्होंने BBC से बातचीत में कहा, महाभारत का युद्ध पारिवारिक संपत्ति और पुरुषों के अहंकार की वजह से हुआ था, न कि द्रौपदी या किसी अन्य महिला की वजह से। त्रिशा दास जोर देकर कहती है कि द्रौपदी को युद्ध की वजह बनाना विक्टिम ब्लेमिंग यानी पीड़ित को ही दोष देने जैसा है। उन्होंने कहा, पांडवों और कौरवों की दुश्मनी का खामियाजा द्रौपदी को भुगतना पड़ा था, युद्ध के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराया जाना बिल्कुल गलत है। हालांकि चित्रा ये भी मानती है कि द्रौपदी मानसिक और भावनात्मक तौर पर बेहद मजबूत महिला थी, लेकिन महाभारत के संदर्भ में देखा जाए तो द्रौपदी को फेमिनिस्ट कहा जाना उन्हें सही नहीं लगता। तो दोस्तों, फैसला आप ही कर लीजिए कि क्या द्रौपदी फेमिनिस्ट थी या नहीं। ये वीडियो आपको कैसे लगी हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य ही बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। और भी दुनिया भर के रहस्यमय और रोमांच भरी तथ्यों को जानने के लिए देखते रहिए डार्क मिस्ट्री।